हेलो गाइस, आज हम आए हैं देहरादून के डाटकाली मंदिर पर और आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पर जो है फोर लाइन का जो है कार्य चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये है, काफ़ी बड़ी जो है पहाड़ी थी और इस पहाड़ी को काटकर और इस जंगल को काटकर जो है ये फोर लाइन का रास्ता जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे और वहाँ रोड पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ट्रैफिक लगा हुआ है। इस ट्रैफिक से निजात पाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है इस फोर लाइन को जो है बनाया है और इसका जो है नक्शा पास कर दिया गया है और 2024 तक जो है ये सब तैयार हो जाएगा। सो गाइज, ये है देहरादून का फोर लाइन जो है बन रहा है, आप देख सकते हैं। और जब कभी हम 4-5 महीने पहले यहाँ पर आए थे तब इसकी खुदाई हो रही थी और आज आप देख सकते हैं इसका जो है आधे ज़्यादा कार्य हो चुका है और आप लोगों को आगे भी दिखाया जाएगा। इधर जो है कार्य चल रहा है अभी इस पर, ये देखिए आप लोग, ये दिल्ली से और देहरादून के लिए फोर लाइन जो है तैयार हो रही है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है कार्य इसका आधा हो चुका है और जो है अभी आधा हो रहा है। गाइस, इस रोड पे कभी कभी ऐसे जो है जाम की स्थिति बन जाती है जिस वजह से जो है फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये फोर लाइन बनाई जा रही है जिस वजह से। गाइस, ये है जो एक पुल बनाया जा रहा है इसके बीच में, ताकि जो है इसका बरसात का पानी इस पुल के ज़रिए नीचे से निकल जाए, सड़क के ऊपर से ना आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इतनी जो है पहाड़ी काट दी गई है ये, और उसके बीच में से जो है ये रास्ता निकाला गया है और यहाँ पर जो है मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग, जूम करके आपको दिखा देते हैं। सो गाइस, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी को जो है काट कर इस सुरंग को बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये सामने जो है एक सुरंग बनाई जा रही है, इस सुरंग को बनाया गया है और जो है ये काफ़ी बड़ी पहाड़ी थी उसके जो है पहाड़ी के नीचे के सुरंग को बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कितनी ऊंची जो है ये पहाड़ी थी और यहीं से जो है फोर लाइन का रास्ता निकाला जा रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो है इस रोड पर जो है काफ़ी लंबा जो है जाम लगा हुआ है। और आप लोग को बताए थे कि देहरादून में अभी जो है फोर लाइन की जो है तैयारी चल रही है और जो है फोर लाइन दिल्ली से देहरादून के लिए जो है तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो ये काफ़ी पहाड़ी काटकर और इस रास्ते को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जो है काफ़ी जंगल था, उस जंगल को भी जो काटकर और फिर यहाँ पर जो है एक सड़क निकाली जा रही है फोर लाइन। गाइस, आपने जो ये ट्रैफिक देखा है, इस ट्रैफिक से निजात पाने के लिए जो है यहाँ पर यहाँ की जो गवर्नमेंट ने जो है ये कि रास्ते को और इस नक्शे को पास किया गया है, ताकि जो है जनता को दिल्ली जाने में कोई दिक्कत ना हो और वह जल्दी से जल्दी जो है दिल्ली पहुँच जाए 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर। जहाँ पर आप लोग को 3 से 4 घंटे लगते थे, वहाँ पर आप लोग जो है 2 घंटे के अंदर जो है दिल्ली पहुँच जाओगे। देख सकते हैं आप लोग जो है अभी भी यहाँ पर जो है काफ़ी जाम लगा हुआ है और ये जाम आज नहीं है, हमेशा जो है यहाँ पर जाम लगा रहता है। देख सकते हैं आप लोग, और गाइस ये ही जाम जो है यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर आपको मोहंडे पे भी मिलेगा, वहाँ पर भी जो है काफ़ी जाम लगा रहता है और आप लोग को वहाँ का भी जो है दिखाया जाएगा वीडियो। सो गाइस, आप देख सकते हैं, गाइस आप देख सकते हैं जो है ये आधे ज़्यादा जो है कार्य यहाँ पर जो है पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो पिलर बना दिया गया और ऊपर के लिए भी देख सकते हैं आप लोग जो है रास्ते को जो है आधा तैयार कर दिया गया है। और गाइस, ये जो है फ्लाईओवर एक नदी के बीच से बन रहा है, जो है काफ़ी बड़ी नदी है उसके बीच से जो है इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ तक जो है कार्य जो है आधा हो चुका है और यहाँ पर जो है पिलर भी खड़े कर दिए गए हैं। ये देखिए गाइस आप लोग, और यहाँ पर जो अभी कार्य चल रहा है अभी बनाने का आगे। और सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है ये आधा कार्य हुआ है और इधर दिखाते हैं आप लोग, यहाँ पर भी जो है अभी जो है अधूरा कार्य हुआ है और पिलर को जो है बनाकर यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी खुदाई चल रही है और यहाँ पर जो है अभी कार्य अधूरा है। देख सकते हैं आप लोग, अभी यहाँ पर जो है
पहाड़ियों की खुदाई चल रही है, रास्ता बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। सो गाइस आप देख सकते हैं पहाड़ी को कैसे काट कर जो है ये रास्ता बनाया जा रहा है। और ये जो है काफ़ी बड़ी पहाड़ी थी और इसके ऊपर काफ़ी घना जंगल था, जो कि जो है पेड़ काट कर और फिर इस पहाड़ी को काट कर जो है रास्ता बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं